हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लिप स्क्रब और लिप प्लमर। तो पहले हम बनाएंगे लिप स्क्रब। तो लिप स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच वाइट शुगर, 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर और 1 चम्मच आमंड ऑयल। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लें। तो तैयार है आपका लिप स्क्रब। इस स्क्रब के बेनिफिट्स हैं कि इसमें शुगर है जो आपके लिप्स को स्क्रब करेगी, इसमें मौजूद ऑरेंज पील पाउडर है जो आपके डार्क लिप्स को लाइट करेगा। ऑरेंज पील पाउडर विटामिन सी से रिच है जो पिगमेंटेड लिप्स को लाइट करता है। आप इस स्क्रब को 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये स्क्रब ड्राई और चैप्ड लिप्स के लिए बेस्ट है। स्क्रब बनाने के बाद अब हम बनाएंगे लिप प्लमर। लिप प्लमर बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सिनेमन पाउडर। लिप प्लमर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच सिनेमन पाउडर, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लें। तो तैयार है आपका लिप प्लमर। लिप प्लमर को लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर लें। इसके बाद आप लिप प्लमर को अपने लिप्स पर अप्लाई करें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको लगाने से आपको अपने लिप्स पर एक सेंसेशन महसूस होगी जो कि नॉर्मल है। 5 मिनट बाद आप अपने लिप्स को एक टिश्यू से क्लीन कर लें और अब आप देखेंगे कि आपके लिप्स कितने फुलर और प्लमर हो गए हैं। इसे आप फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और जब कभी भी बाहर जाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से महंगे लिप प्लमर ख़रीदने की। आप होममेड लिप प्लमर बनाएं और बाहर के महंगे लिप प्लमर जैसा इफ़ेक्ट पाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।